आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो द प्रॉब्लम इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y निकालनी है। इफ इट सैटिस्फाई दैट, सो लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो दैट क्लियरली मुझे यहां पे गिवन है दैट x टाइम ऑफ आइडेंटिटी, इट मींस x यहां पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे दैट 1 0 0 1, ठीक है, ऑर्डर 2 है दैट, प्लस y टाइम ऑफ a दैट a हमें गिवन है 1 -1 2 एंड -1, ठीक है, एंड इस कंप्लीट का मेरे पास स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू है मेरे पास a के इक्वल दैट 1 -1 2 एंड -1। ओके, क्लियरली मैं इसे सिंपलीफाई करूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा दैट x की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे x में 1 में मल्टीप्लाई करूंगी दैट x हो जाएगा एंड यहां पे मेरे पास है y, तो क्लियरली मेरे पास आ गया दैट x plus y, यहां पे मेरे पास होगा दैट 0 एंड माइनस वाई, तो दैट माइनस वाई हो गया। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा दैट क्लियरली हो जाएगा 0 एंड प्लस 2, सो दैट प्लस 2y होगा, तो दैट 2y हुआ एंड यहाँ पे मेरे पास होगा दैट 1 प्लस माइनस 1, सो दैट ये क्लियरली हुआ दैट x माइनस वाई एंड इस कंप्लीट का जो है मेरे पास स्क्वायर हो रखा है एंड दैट इज इक्वल टू मेरे पास इक्वल आएगा 1 -1 2 एंड -1 के। ओके, तो हम इस कंप्लीट का जो है स्क्वायर कर लेते हैं, इट मींस ये मेरी जो है 2 times रिपीट होगी, तो क्लियरली यहाँ पे मेरे पास आया दैट x प्लस वाई माइनस वाई। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा दैट 2y एंड x माइनस वाई एंड दिस कंप्लीट टर्म को जो है मुझे इसी से ही जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दैट x प्लस वाई माइनस वाई 2y एंड x माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल टू मेरे पास होगा 1 -1 2 एंड -1 के ही इक्वल। ओके, सो दैट इसे मैं फर्दर सिंपलीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा दैट x प्लस वाई की मल्टीप्लाई x प्लस वाई में होगी तो दैट x प्लस वाई का मेरे पास हो गया होल स्क्वायर एंड माइनस वाई की मल्टीप्लाई जो है मेरे पास होगी 2y में, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जो है फर्स्ट कॉलम से होगी तो दैट यहाँ पे मेरे पास हुआ -2y स्क्वायर। ओके, सिमिलरली दैट नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या होगा दैट फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई मेरी सेकेंड कॉलम में होगी तो दैट यहाँ पे मेरे पास होगा x प्लस वाई इन टू में -y एंड यहाँ पे मेरे पास फिर माइनस वाई है, इसकी मल्टीप्लाई होगी दैट एक्स प्लस में वाई में दैट माइनस वाई इन टू में एक्स माइनस वाई के इक्वल हो गया। ठीक है, सिमिलरली दैट सेकंड स्टेप में क्या होगा सेकंड रो की जो मल्टीप्लाई है फर्स्ट कॉलम में होगी दैट क्लियरली यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2y x प्लस वाई एंड सिमिलरली दैट प्लस ऑफ 2y x माइनस वाई। ओके, सो इतना मेरे पास आ गया। सिमिलरली अब लास्ट जो सेकंड रो है उसकी मल्टीप्लाई मेरी सेकंड कॉलम में होगी सो दैट -2y स्क्वायर एंड प्लस ऑफ x प्लस वाई x माइनस वाई दैट x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, दैट कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू 1 -1 2 एंड -1 के इक्वल होगा। सो दैट क्लियरली मैं क्या करती हूँ फर्स्ट टू इक्वेशन को जो है हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। सो क्लियरली क्या आ जाएगा दैट सबसे पहले मैं फर्स्ट जो है मेरे पास दैट x प्लस वाई का होल स्क्वायर सो दैट इसको मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy - 2y स्क्वायर एंड दैट कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू द 1। ओके, सो दैट इज इक्वल टू मेरे पास 1 के इक्वल आ गया। सिमिलरली मैं क्या करती हूँ दैट लास्ट जो है मेरे पास इसको मैं -1 के इक्वल इक्वेट कर लेती हूँ तो -2y स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर -2 times ऑफ xy दैट इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, सो दैट इतना मेरे पास आ गया एंड हम लोग क्या करते हैं दैट यहाँ से मैं क्या करती हूँ फर्स्ट और इसको भी मैं इक्वेट कर लेती हूँ सो दैट ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा -xy - y² - xy एंड यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा दैट प्लस ऑफ y स्क्वायर एंड दैट कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू आगे मेरे पास -1 के इक्वल। सो क्लियरली y स्क्वायर से जो है मेरी y स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगी दैट 2 times -2 times ऑफ xy की जो वैल्यू है वो आगे मेरे पास -1। सो क्लियरली यहां से मेरे पास जो है -2 times xy की वैल्यू जो है निकल के आ चुकी है सो 2 times of xy की वैल्यू जो है 1 आ गई। ठीक है, सो इन दोनों वैल्यूज का अब हम लोग यूज कर लेंगे सो दैट मेरे पास इक्वेशन बन के आ जाएंगी दैट फर्स्ट मेरे पास हुई दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 times of xy है तो दैट वैल्यू 1 है सो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ सो क्लियरली ये मेरे पास हुआ दैट x स्क्वायर
प्लस टू वाई वाई स्केयर माइन प्लस वाई स्केयर, सो दैट माइनस वाई स्केयर हुआ, टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो है वो वन है, सो दैट प्लस वन इज इक्वल टू वन, सो दैट वन से जो है मेरा वन कैंसिल आउट हुआ, सो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल, यहाँ से मेरे पास एक्स इज इक्वल टू जो है वाई के इक्वल आ जाएगा. ओके okay. मेरे पास टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई जो है वन के इक्वल एंड एक्स इज इक्वल टू वाई आया है, सो दैट टू इंटू में एक्स इंटू में एक्स दैट इज इक्वल टू वन, सो दैट टू टाइम्स ऑफ एक्स स्केयर इज इक्वल टू वन, सो एक्स स्केयर इज इक्वल टू वन बाय टू, सो एक्स इज इक्वल टू दैट ये मेरे पास आएगा प्लस माइनस वन बाय रूट टू. ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, दैट एक्स की वैल्यू ये आई है, सिमिलरली वाई की वैल्यू भी मेरे पास ये आएगी, दैट प्लस माइनस वन बाय रूट टू, दैट बोथ आर इक्वल. सो क्लियरली अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन जो मेरा है उसमें वन बाय रूट टू प्लस वाले जो है मेरे ऑप्शन में वेरीफाई मेंशन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.